हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं मेरा, मेरे चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी ये बो पैटर्न का कैमी ड्रेस, जिसे मैंने अपने ओल्ड पैंट के हेल्प से बनाया है। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। सो फ्रेंड्स, नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आप जैसे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने मेंस का ये ट्राउज़र लिया है। सबसे पहले हम अपनी बॉडी नापेंगे। तो मैं यहाँ पर ऊपर की जो बॉडी है वो 12 इंच की बनाऊंगी। वहाँ पे मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूंगी। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद हमें सिंपली इसे कट कर देना होगा। आप देख सकते हैं मैंने बॉटम का हिस्सा यूज़ किया है बॉडी के लिए। अब हम इसे रॉन्ग साइड फ्लिप करेंगे इस पार्ट को, और उसके बाद आप देख सकते हैं एक तरफ की जो स्टिच है उसे हम सीजर की मदद से इस तरीके से कट कर देंगे। उल्टी तरफ से कट करके आप निकालेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। कट करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का फैब्रिक ग्रैप होगा। आपको इस फैब्रिक को एक दूसरे के ऊपर प्लेस करके फोल्ड कर लेना होगा, और आप मेजरमेंट लेंगे। हम यहाँ पर नेक जो है वो 5 इंचेस का रखेंगे और एक डॉट बना लेंगे। हमारी लेंथ ब्रेथ जो होगी वो 3 इंच की होगी। हमारा आर्म होल्स यहाँ पर 7 इंचेस का होगा। अब इस सभी पॉइंट्स को हम इस तरीके से मिला लेंगे। मिला लेने के बाद हमें इसे सिंपली कट कर देना होगा। तो यहाँ पे हम कट कर रहे हैं। हम जो आर्म होल्स का ये फैब्रिक कट करेंगे, इसे हमें फेंकना नहीं है, हमें आगे काम आएगा। अब हम इसे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद साइड्स का जो पार्ट है उसे हम स्टिच कर देंगे, और ऑल ओवर जो हमारे आर्म होल्स और नेक का पार्ट है उसे 1 इंच अंदर फैब्रिक डाल के हमें हेम कर लेना होगा। तो यहाँ पर मैंने हेमिंग कर दिया है और साइड्स की मेरी स्टिचिंग भी हो गई है, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते होंगे। अब हम हमारा घेरा बनाएंगे नीचे का। तो घेरा बनाने के लिए हम बाकी पैन के कपड़ा लेंगे, उसे मेजरमेंट करेंगे हमारे घेरे की लेंथ। तो यहाँ पे मैं 18 इंच पर एक पॉइंट मार्क करके स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँगी और फिर उसे कट कर दूंगी। कट करते समय पॉकेट्स को ऊंची ऊपर उठा लीजिए, ताकि कटिंग करने में आपको काफ़ी ज़्यादा आसानी हो। इसे हम कट कर देंगे। कट करने के बाद बीच के भी हिस्से को हमें अलग कर देना होगा, और वापस इसे उल्टे के तरफ से हम फोल्ड करेंगे, और वैसे ही जैसे हमने पहले स्टिचिंग कट किया था, हमें यहाँ पे भी वैसे ही स्टिचिंग इस तरह कट कर देना होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, आपको इसी तरीके से ये स्टिचिंग को कट कर देनी होगी, ताकि आपको एक लंबा फैब्रिक मिल सके। उसके बाद आप इसे ओपन करेंगे, और ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ ये पॉकेट है। ये पॉकेट आधी कट चुकी है, तो इसलिए हाथों की मदद से ही बहुत आसानी तरीके से टूट जाएगी। तो इसे भी हम तोड़ देंगे। दोनों ही फैब्रिक का हमें जो पॉकेट निकाल देनी है। पॉकेट निकालने के बाद हम अपने इस फैब्रिक को आयरन कर लेंगे, ताकि काफ़ी नीट हो जाए। तो यहाँ पे मैंने आयन कर लिया। आयन करने के बाद आप अपने वेस्ट के पास ये बॉडी रखेंगे और देखेंगे कि ये कैसा फिटिंग है। ये मेरा प्रॉपर है, इसलिए मैं आप सिंपली साइड स्टिच कर दूंगी, और नीचे का जो घेरे का हिस्सा है उसे भी मैं हेम कर दूंगी। तो आप देख सकते हो, जो ब्रॉडनेस पार्ट था उसे मैंने घेरा बनाया है, और जो छोटा पार्ट था उसे बॉडी। अब अपनी बॉडी को इसके ऊपर हमें प्लेस कर लेना होगा। हम बॉडी को सीधा रखते हुए इस तरीके से ग्रैब करेंगे, और नीचे का जो पार्ट है बॉडी का, उसे स्कर्ट की जो नीचे का पार्ट है उसके साथ, ऊपर का पार्ट है उसके साथ हम इस तरीके से मिला लेंगे, और कॉर्नर एजेस से हम स्टार्ट करेंगे वहाँ पर टाचनी लगाना। हम टाचनी इस तरीके से लगा लेंगे, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। हमें ऑल ओवर इसी तरीके से लगा लेना होगा। हमें आगे और पीछे भी लगा लेंगे, और इसे सिलाई मशीन के हेल्प से हम स्टिच कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने स्टिचिंग दे दिया है, और ये मेरा ड्रेस ऑलमोस्ट रेडी है। अब इसे हम स्ट्रैप्स बनाएंगे। तो मैंने कहा था आपको पहले कि जो आर्म होल्स का कपड़ा, इसे हमें फेंकना नहीं है, हम इसी से स्ट्रैप बनाएंगे। दोनों को मिडल में इस तरीके से रखेंगे और ज्वाइन कर लेंगे। जो कर्व शेप है उसे एक साथ, और जो स्ट्रैंथ है उसे एक साथ। तो इधर मैंने कर लिया है। अब इस तरीके से हमें दोनों पॉइंट्स को अंदर डालते हुए और ब्रॉडनेस पार्ट को ऊपर रखते हुए हमें स्टिचिंग दे देनी होगी। तो यहाँ पे मैंने स्टिचिंग दे दिया है।
अब इसे और एनहांस करने के लिए मैं यहाँ पे बो बनाऊंगी। बो बनाने के लिए छोटा सा पैंट का ये फैब्रिक लेना है, 3 साइड से सिलना है, 1 साइड से हमें ओपन रखना है ताकि हम इसे खोल सके। इसे मैंने खोल लिया था, उसकी क्लिपिंग नहीं आई है, आई एम रियली वेरी सॉरी अबाउट दैट। हमें बो बनाना होगा। बो बनाने के लिए हम ऊपर से लेके नीचे 3 फोल्ड करेंगे और पैंट का जो हुक का फैब्रिक है उससे हम डाल के सुई धागे की मदद से स्टिच कर देंगे। यहाँ पे मेरा बो रेडी है। अब इस तरीके से हम स्ट्रैप्स में जो एंडिंग पॉइंट है ऊपर की तरफ उसे फ्रंट साइड में लगा लेंगे और सुई धागे के मदद से स्टिच कर देंगे। यहाँ पे मैंने 3 ब्लैक कलर के बटन्स भी अपने फ्रंट साइड पे लगाया है। सो आप देख सकते हैं ये मेरा ड्रेस रेडी हो चुका है और कितना ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। इसका बो का पैटर्न भी बहुत अच्छा आया है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा आज का ये DIY वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे चैनल को। टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग।